दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 17 फरवरी 2022 को ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया पर नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी के फर्स्ट पार्ट को नोटिफाई किया जिसका ऑब्जेक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके हाइड्रोजन और एमोनिया के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है ताकि एनर्जी सेक्टर्स को डीकार्बोनाइज किया जा सके और फॉसिल फ्यूल्स और क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट्स पर इंडिया की हैवी डिपेंडेंसी को कम किया जा सके दोस्तों इस मिशन का एम गवर्नमेंट को क्लाइमेट टारगेट्स को पूरा करने और इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने में हेल्प करना भी है इससे 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को पूरा करने और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के डेवलपमेंट में मदद मिलेगी दोस्तों सोर्सेज के अकॉर्डिंग पॉलिसी का सेकेंड पार्ट फेस्ड मैनर में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया के यूज को मैंडेटरी करने के बारे में हो सकता है और पी मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी ऑफर कर सकता है इसके लिए कैबिनेट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी और अभी करंट में यह एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के साथ रिव्यू की जा रही है दोस्तों आइए इस वीडियो के थ्रू हम जानते हैं कि किसे कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन और कैसे काम करेगी गवर्नमेंट की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी दूसरा आज हम ये भी जानेंगे कि कैसे इस पॉलिसी के थ्रू इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का मिडिल ईस्ट बन सकता है आइए सभी सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मैं हूं दुर्गेश कुमार और स्वागत है आपका स्टडी ग्लोज में यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टेबल में हाइड्रोजन सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट है दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन को एज अ हाइड्रोजन ही डिफाइन किया जाता है जो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके वॉटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करके प्रोड्यूस होता है प्रोडक्शन मेथड के बेसिस पर हाइड्रोजन ग्रे ब्लू ग्रीन हो सकता है और कभी कभी तो पिंक या येलो भी हो सकता है लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन बाकी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत अलग है ग्रीन हाइड्रोजन क्लाइमेट न्यूट्रल मैनर से प्रोड्यूस एकमात्र आधार है ग्रीन हाइड्रोजन में ग्रे हाइड्रोजन के कंपैरिजन काफ़ी कम कार्बन एमिशन होता है जो नेचुरल गैस के स्टीम रिफॉर्म से प्रोड्यूस होता है जो हाइड्रोजन मार्केट का बड़ा हिस्सा बनाता है दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी या लो कार्बन एनर्जी से प्रोड्यूस होता है ग्रीन हाइड्रोजन वर्सेटाइल है और इसे इनोवेटिवली यूज किया जा सकता है इसका यूज एज अ फ्यूल या कूलेंट और इलेक्ट्रिसिटी और हीट जनरेट करने के लिए किया जा सकता है लेकिन इंडस्ट्री में ये एज अ रॉ मटेरियल भी यूज किया जा सकता है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज अडानी ग्रुप लासिन एंड टूब्रो और ग्रीनको का कहना है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन में इन्वेस्ट करेंगे यहाँ तक कि आई ओ गेल इंडिया लिमिटेड और एन लिमिटेड जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी इस एरिया में एंटर करना चाहते हैं दोस्तों जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कंसर्न बढ़ते जा रहे हैं दुनिया भर के देश एमिशन को कम करने के लिए कमिटेड हैं ग्रीन हाइड्रोजन ने लो कार्बन फुटप्रिंट के साथ लार्ज स्केल पर एनर्जी जनरेट करने की एबिलिटी को देखते हुए बहुत इंटरेस्ट पैदा किया है टेक्नोलॉजी में रिसेंट एडवांसमेंट के साथ कन्वेंशनल एनर्जी और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के मुकाबले कीमतों में कमी और कॉम्पिटेटिव होने के क्लोजर एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स में तेजी आएगी दोस्तों लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को अनाउंस किया था सेम मिशन के अकॉर्डिंग 15 फरवरी 2022 को ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी रिलीज की गई दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके वाटर के इलेक्ट्रोलिस के थ्रू फ्यूल को प्रोड्यूस किया जाता है दोस्तों ये उपाय इंडिया को ग्लोबल लेवल पर चीपेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर बना सकता है कंट्री वास्तव में ग्रीन हाइड्रोजन का मिडिल ईस्ट बन सकता है लेकिन हाइड्रोजन स्पेशली ट्रांसमिशन और एक्सपोर्ट परस्पेक्टिव से हैंडल करने के लिए एक ट्रिकी मॉलिक्यूल है इसलिए गवर्नमेंट का इंटेंशन पहले इंसेंटिव्स देना और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना है दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी उन लोगों को 25 इयर्स ईयर्स के लिए इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस की पूरी छूट प्रदान करेगी जो इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करने का साहस करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया के ऐसे प्रोड्यूसर्स को लाभ मिलेगा जिनके कमीशन तीस जून दो से पहले चालू हो गए हैं दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन या अमोनिया और रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स के मैन्युफैक्चरर्स को किसी भी प्रोसीजरल डिले से बचने के लिए प्रायोरिटी के बेसिस पर ग्रिड से कनेक्टिविटी दी जाएगी पॉलिसी के अंदर दिया जाने वाला एक और इंसेंटिव यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन या अमोनिया के प्रोडक्शन को मैनुफेक्चरर्स की रिन्यूएबल परचेस ऑब्लीगेशन मीन्स आर के खिलाफ माना जाएगा और यह ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करने वाली डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसिस के लिए भी एप्लीकेबल होगा दोस्तों पावर मिनिस्टर आर के सिंह का कहना है कि इस पॉलिसी के इंप्लीमेंट होने से कंट्री के आम लोगों को क्लीन फ्यूल मिलेगा इससे फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम होगी और क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स में भी कमी आएगी उन्होंने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा देश ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया के एक्सपोर्ट हब के रूप में उभरे दोस्तों ये पॉलिसी कंपनीज को स्वयं या किसी डेवलपर के थ्रू कहीं भी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी सेटअप करने की लिबर्टी देती है यह पॉलिसी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन को बढ़ावा देता है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में बेसिक इंग्रेडिएंट होगी दोस्तों ये बदले में क्लीन एनर्जी के लिए इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करने में मदद करेगा ये पॉलिसी मैन्युफैक्चरर्स को किसी भी एग्जिस्टिंग और अपकमिंग रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स या यहाँ तक कि किसी भी मैन्युफैक्चरर्स जोन में अपने प्लांट सेटअप करने के लिए अलाउ करती है जिसके लिए गवर्नमेंट प्रेजेंट में रोड मैप प्रिपेयर कर रही है दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग एक डेवलपर द्वारा को लोकेटेड रिन्यबल एनर्जी प्लांट से रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके किया जा सकता है या फिर रिमोटली लोकेटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट से किया जा सकता है चाहे वो उसी डेवलपर द्वारा सेटअप किया गया हो या फिर थर्ड पार्टी द्वारा किया गया हो हर तरह से कंप्लीट एप्लीकेशन रिसीव होने के पंद्रह दिन के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन एमोनिया प्लांट्स को रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सिंग के लिए ओपन एक्सेस प्रदान करेगा हर तरह से कंप्लीट एप्लीकेशन रिसीव होने के 15 दिन के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन एमोनिया प्लांट्स को रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सिंग के लिए ओपन एक्सेस ग्रांट किया जाएगा ओपन एक्सेस चार्जेस निर्धारित रूल्स के अकॉर्डिंग होंगे मैन्युफैक्चरर्स किसी भी डिस्कॉम के साथ 30 दिनों तक अनकंज्यूम्ड रिन्यूएबल पावर को बैंक में रख सकता है और जरूरत पड़ने पर इसे वापस ले सकता है डिस्कॉम अपने स्टेट्स में ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन एमोनिया के मैन्युफैक्चरर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर रिन्यूएबल एनर्जी की खरीद पर सप्लाई कर सकती है जिसमें केवल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट व्हीलिंग चार्जेस और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कमीशन द्वारा एक छोटा सा मार्जिन इंक्लूड होगा साथ ही ये मैनुफैक्चरर्स को एक्सपोर्ट के लिए या शिपिंग द्वारा यूज के लिए ग्रीन एमोनिया के स्टोरेज के लिए पोर्ट्स के पास बंकर सेटअप करने की अनुमति देता है ऐसे स्टोरेज यूनिट को बिल्ड करने के लिए लैंड रिस्पेक्टिव पोर्ट अथॉरिटीज़ द्वारा एप्लीकेबल रेट्स पर प्रोवाइड कराई जाएंगी दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है पॉलिसी में यह भी क्लियर किया गया है कि बायोमास या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस हाइड्रोजन और एमोनिया को भी ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन एमोनिया माना जाएगा एनर्जी इन्वायरमेंट और वाटर काउंसिल के सीनियर प्रोग्राम लीड हेमंत माल्या का कहना है कि सेंट्रल ओपन एक्सेस चार्जेस को माफ करना ग्रीन हाइड्रोजन के लोअर कॉस्ट वाले डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट को इनेबल करने में एक गुड फर्स्ट स्टेप है हाउ एवर स्टेट्स का ओपन एक्सेस चार्ज रुपीज़ जीरो पॉइंट टू सेवन से थ्री पॉइंट एट पर यूनिट किलोवाट आवर तक है यह भी इस पर डिपेंड करता है कि वेदर इट इज सोलर और विंड इसलिए एक डिस्टोर्टेड ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट से बचने के लिए इन चार्जेस में को दूर करने से आता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा ओपन एक्सेस चार्जेस से होता है दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा